एक व्यभिचारी की लाइफ में वो कैसे आपको स्पर्श करे, कैसे वो आपके सपनों में आए, कैसे वो दूसरों के सपनों में आपके लिए जाए। हमें कुछ दिखाना होगा कि हम तेरे वचन के साथ सच्चे हैं। पाले में भी, धूप में भी, छांव में भी, बारिश में भी, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर तब हमारे साथ खड़ा होगा। एक व्यक्ति ने मेरा नुकसान करना का सोच लिया। उसने कहा मैं इसका नुकसान करूंगा। पहले वो इधर उधर जाता रहा, बड़े बड़े लोगों से मिलता रहा, वहां उसकी बात जब नहीं बनी, फिर वो और तरीके ढूंढने लगा, फिर वहां बात नहीं बनी, एंड में उसने कोई तरीका सोचा मेरे खिलाफ। और उस तरीके का वो जब कामयाब करने के लिए जा रहा था, उसी रात उसकी बिल्डिंग गिर गई, उसी सेम नाइट, मुझे नहीं मालूम। ऐसा चक्कर में फंसा वो, ऐसा फंसा आज तक नहीं निकला हो। और मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोई प्रेयर नहीं की, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये बंदा इस फिराक में था। जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, वो सपनों में जाएगा लोगों के, वो लोगों के हृदय से बात करेगा, वो डिवाइन हेल्पर से बात करेगा, वो रिश्तों से बात करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो गवर्नमेंट से बात करेगा आपके लिए, रिश्तेदारों से बात करेगा आपके लिए, आपके दोस्तों से बात करेगा आपके लिए, आपके बॉस से बात करेगा, आपके मेंटर से बात करेगा, आपकी वाइफ से बात करेगा, आपके हस्बैंड से बात करेगा, आपके बेटे से, आपकी बेटियों से बात करेगा, आपकी बहनों से, आपके भाइयों से बात करेगा। जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल होंगे, वफादार होंगे, वो बात करेगा आपसे, वो आपके खाने तक के लिए आपसे बात करेगा, आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी बोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है आप लोगों के लिए, वो आपको डिलीवर करने, आपको छुड़ाने के लिए, एनीथिंग। जब आप क्लीन, साफ, कॉन्शियस, विवेक के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे तो। इसलिए मैंने पूछा आपसे, आप मुझे बताइए, यहां तो आप क्रिश्चियन हैं, यहां से कुछ ही मीटर की दूरी में जाने के बाद आप क्या हैं? वो है असली चेहरा। यहां तो मैं प्रचार कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद मेरे इधर और आपके उधर, फिर हम क्या हैं? उसने कहा जब मैं दूर था तू मुझे देखता नहीं था, पर दिन का घाम, रात का पाला, बारिश, जंतुओं की बनेले, जंतुओं की चिंता, तेरे बकरियों की, तेरी भेड़ों की चिंता मुझे सताती थी, तो भी मैंने अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी ईमानदारी को बना के रखा और बरकरार करके रखा। आप जानते कुछ लोग क्या करते हैं? बोलते हैं अगर हम चोरी ना करें, अगर हम गद्दारी ना करें, तो हमारे घर का खर्चा नहीं चल सकता। अगर याकूब कमा भी लेता, चोरी कर भी लेता, तो परमेश्वर का स्पर्श जब उन भेड़ों और बकरियों पे आया, वो कभी ना आता। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि हम एक बड़ी कोठी छोड़ के मैं आया था, जब मैं आया था यहां पे, मुझे थोड़ी मालूम था, बिना किसी कंडीशन के घर छोड़ दिया जो पूरा हमारे नाम पर था, क्योंकि वह हमारा नहीं था। अगर मैं उसको पकड़े रहता तो इमेजिन करो क्या होता आज। शायद वो पकड़े रहता, लड़ता रहता, झगड़ता रहता कुछ करोड़ के लिए, और ये मिस कर जाता। और लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। बेस्ट पार्टनर्स मिस कर दिए उन्होंने, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्रों में बेस्ट लोग मिस कर दिए, बेस्ट सेवकाइयां मिस कर दी पाप की वजह से, चोरी की वजह से। जब परमेश्वर आपको अपने साथ चलने के लिए बोलता है, तो वो एक लंबा प्लान आपके लिए सोच कर ये बोलता है, आपको उस चलन में, उस वॉक में, उस वे में आपको मुश्किल हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
लेकिन बाद में परमेश्वर का स्पर्श जब आप पे आएगा, आप हैरान होंगे ये क्या हो रहा है आपकी लाइफ में।